देश में इस समय घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि तिरंगे की पूरी कहानी क्या है। लेकिन एक सवाल जरूर हम आपसे करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष राष्ट्रव्यापी या हम ये कहें कि देश हित के मुद्दों पर भी एक नजर नहीं आते। घर घर तिरंगा अभियान में भी सत्ता पक्ष का अलग और विपक्ष का अलग नजरिया सामने आ रहा है। बहरहाल तिरंगे के तीन रंगों की आप पूरी कहानी जान लीजिए, आखिर कैसे दो रंगों के साथ तीसरा रंग जुड़ा और देश का ध्वज बन गया तिरंगा, कब कब तिरंगे में बदलाव हुए और किस तरह से इस राष्ट्रीय ध्वज पर पूरा देश एक हो गया। यह जानना अत्यंत रोचक है कि भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा अपने आरंभ से लेकर वर्तमान स्वरूप में आने तक कई परिवर्तनों से गुजरा है। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कोलकाता में प्रथम राष्ट्रध्वज फहराया गया था। इस ध्वज को लाल पीले और हरे रंग की आड़ी पट्टियों से बनाया गया था। साल 1907 में पेरिस में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया यह दूसरा राष्ट्रध्वज था। कुछ लोगों का कहना है कि यह 1905 की घटना है। यह ध्वज भी प्रथम ध्वज के समान ही था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था किंतु 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। ये ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। साल 1917 में जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया, उस वक्त डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तीसरा राष्ट्रध्वज फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के 7 सितारे बने हुए थे। साल 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। हमारे तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये ध्वज वर्तमान स्वरूप जैसा ही था, इसमें केसरिया सफ़ेद और हरा रंग था जो गांधी जी के चरखे के साथ था। जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का फैसला किया, उस वक्त देश के नेताओं के सामने राष्ट्रीय ध्वज की चिंता खड़ी हो गई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक ध्वज समिति का गठन किया गया। इसमें यह फैसला किया गया कि पिछले ध्वज की तरह ही इस ध्वज में केसरिया सफ़ेद और हरा रंग होगा। इसमें सिर्फ गांधी जी के चरखे की जगह अशोक चक्र होगा। राष्ट्र ध्वज का ऊपरी पट्टी जो केसरिया रंग की है, वो देश की शक्ति और साहस को दर्शाती है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और शक्ति का प्रतीक है। ध्वज के आखिरी में हरी पट्टी उर्वरता वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। मध्य में स्थित अशोक चक्र विधि का चक्र कहलाता है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। मौजूदा राष्ट्रध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंक्यानंद ने की थी। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान की सभा की बैठक के दौरान इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। तब से ये ध्वज हमारा राष्ट्रध्वज है।